बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस ई आर चंदन मुखशाम दे जी, ये एक जी इलेक्ट्रॉनिक स्केल है कंप्यूटराइज, तो ये हमारे पास आया है जी रिपेयरिंग के लिए। तो अब हम इसमें किसमें क्या फॉल्ट है जी, इसको देख रहे होंगे कि होता है कि नहीं। ऑन ऑन तो हो रहा है जी। वज़न भी ठीक बता रहा है, तो इसके जो कीज़ काम नहीं कर रहे जी, ये बटन जो हैं ये वर्क नहीं कर रहे, तो इसमें यही फॉल्ट है जी। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और इसको रिपेयर करना सीखेंगे जी। तो अब इसको देखते हैं जी, खोल लेते हैं अभी, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस स्केल को हमने खोल लिया जी, ये इसके बटन हैं, ये बाद बटन इसमें वर्क नहीं कर रहे, ये देखें। तो इन बटनों को रिप्लेस करना पड़ेगा जी, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से बटन नहीं वर्क कर रहे, तो वो हम रिप्लेस कर देंगे। और जो हम कीपैड का अब जैक जो उतार लेंगे यहाँ से, ये जैक लगा हुआ इसको अलग कर लेंगे और फिर इसको बैठ कर आराम से इसको रिपेयर करेंगे जी। ये जैक हमने कीपैड का उतार लिया जी, ये रहा जी कीपैड, इसको मीटर साथ चेक कर बटनों को फिर रिप्लेस कर देंगे जी और इसको लगा देंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं क्या होता है। अब जी हमने कीपैड बाहर निकाल लिया है जी स्केल से, अब हम इसके स्विचेस बटनों को चेक करेंगे मीटर के साथ कंटिन्यूटी लगा के कि ये कौन कौन से ख़राब हो गए हैं। इसका चेक करने का तरीका ये है जी कि आपको एक न्यू बटन दिखा रहे हैं जो हमारे पास है, ये न्यू स्विच है जी, तो इसको आपको दिखा रहे हैं जी। इसके जो चार पॉइंट हैं जी, चार पिन हैं इसके, तो इसके ये जो पिन है जी आमने सामने वाली ऊपर वाली ये पिन और ये पिन, ये एक कनेक्शन है और नीचे वाली ये पिन और ये दूसरा कनेक्शन है इसका। मतलब इधर से अगर आप इनपुट करते हैं वो सेम इधर भी होगा, इधर से ये डबल पॉइंट काम करेगा जी। जब आप दबाएंगे बटन को तो वो वोल्टेज इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा, अगर आप इधर भी देते हैं इधर भी देते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका है ये, आप एक प्रॉब को इधर रखें और दूसरी प्रॉब को दूसरी जान में रखें और बटन दबाएं, ये देखें। तो इधर रखें, बटन दबाएं, छोड़ें, ये देखें बटन बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम अब चेक करेंगे जी इन बटनों को, जो ख़राब लगते हैं उनको हम निकाल देंगे। इसमें नमी गई हुई है जी, ये है जी प्रॉब, इधर लगाएंगे हम एक और एक उधर लगाएंगे। जय स्विच हैं जी, तो ये स्विच को इस वाले को चेक करते हैं सबसे पहले, देखते हैं कि ये इसी समय है। आप इसको देखेंगे जी दबा के कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमने लगा लिया जी, इसको दबाया, ये स्विच काम नहीं कर रहा जी, ये स्विच ख़राब है।
जो कुछ खराब है जी आपको याद रहे, इस पर आप मार्कर से निशान लगा लें, चेहरा के निशान। इस तरह आप सभी स्विचेस को बार बार चेक करते रहें और जो खराब हो उनको रिप्लेस कर दें जी। अभी हम मज़ीद चेक करते हैं इसमें कौन से स्विच खराब हैं। इसमें नमी गई हुई है जी, इसकी वजह से जे ऐसा हुआ है। ये भी सच खराब है जी। मुझे दिखा कुछ अच्छा, ये वाला स्विच भी खराब है जी, आपको चेक कराते हैं जी, ये वर्क नहीं कर रहा। इसको भी हम अनछान लगा देंगे जी। अब इसी तरह से हर बटन को चेक करके जी इसमें अनछान लगाएं, फिर आपको दिखाते हैं जी। बटनों को हमने देख लिया जी, तकरीबन जो सारे ही खराब हैं जी, बस दो चार ही चल रहे हैं इसमें। तो जो न्यू बटन है जी स्विचेस जी, हम इसमें लगा देंगे। अभी हम इसके पीसीबी को खाली करते हैं जी, बटनों को बाहर निकालेंगे इस सकर से। खाली करते हैं जी, इस तरह हम बारी बारी सभी को खाली कर लेंगे जी। अच्छा, सभी को खाली कर लें जी, फिर आपको दिखाते हैं जी। अब जी हम इसमें नए बटन लगाएंगे जी स्विचेस, और फिर इसको सोल्डरिंग करेंगे और फिर चेक करते हैं जी इसको। السلام عليكم. सारे बटनों को लगा कर जी हम सोल्डर करके फिर आपको दिखाते हैं जी। तमाम स्विचेस लग चुके हैं जी बटन, अब हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे जी।
तमाम स्विच हमने सोल्डर कर लिया जी। तो अब इसको लगा के देखते हैं जी कि हमारे बटन अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। लो जी, हम की पैड को इसमें इंस्टॉल कर देंगे, इसी तरह इंस्टॉलेशन कर देंगे इसकी। तो ये की पैड है जी, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इस ग्रिप को इस तरह लगा दें जी। ये LCD का ग्रिप है जिसको भी लगा दें इसी तरह। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं जी। जी ऑन हो गया जी। अब हम इसके कीज को चेक करते हैं। कीज बिल्कुल ओके हैं जी, ओके हो गई हैं। जो कीज हमने चेंज की थी वो बिल्कुल ओके हो गई हैं जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 8। हमारा स्केल बुक ओके हो गया जी, बिल्कुल A1, एक्सेलेंट इंशाल्लाह जी। तो हमारे स्केल को अब हम फिट कर देंगे, और फिट के बाद हम इंशाल्लाह जी दिखाएंगे आपको। ओके जी, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।